वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधि। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शुक्रवार के दिन माता वैभव लक्ष्मी की कथा। माता वैभव लक्ष्मी सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली हैं। जो भी जातक सच्ची श्रद्धा के साथ माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं या माता वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से घर में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती। माता सभी प्रकार के अपने भक्तों को सुख और समृद्धि को प्रदान करती हैं। तो आइए सुनते हैं माता वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि किसी शहर में अनेक से लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की बिल्कुल भी परवाह ना थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया और माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्याभिचार, चोरी, डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते रहते थे। इसके बावजूद भी शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति की औरत और संतोषी स्वभाव वाली थी। शीला का पति भी विवेकी था और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं किया करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह अपना समय व्यतीत किया करते थे। शहर के लोग उसकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बूढ़े लोगों के साथ दोस्ती कर बैठा। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने का ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। फलस्वरूप वह करोड़पति की जगह रोड़पति बन गया, यानी कि रास्ते पर भटकते उसकी हालत बिल्कुल भिखारी के समान हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति अब फंस चुका था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गवा डाला। शीला को पति के व्रताव से बहुत दुख हो रहा था, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब कुछ सहन करने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन की बात है कि दोपहर के समय में उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने जैसे ही द्वार खोला तो देखा कि द्वार पर एक माजी खड़ी थी। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहे थे। उनकी आंखों से मानो अमृत से धारा निकल रही थी। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति सी छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद सा छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ अपने घर के अंदर ले गई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उन माजी को बिठाया। माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं वहां तो आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पा रही थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माजी के अति प्रेम भरे स्वरों से शीला का मानो हृदय पिघल सा गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। माजी ने कहा कि हे बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसा होता है। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। माजी के व्यवहार से शीला को काफी संबल मिला और सुख का आस उसके माजी को अपनी सारी इस बात में कह सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा कि कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। अब तुम कर्म भुगत चुकी, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे।
तुम तो माता लक्ष्मी जी की परम भक्त हो और माता लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार है। वे अपने भक्तों पर हमेशा अपना ममता बरसाती हैं। इसलिए तुम धैर्य रखकर माता लक्ष्मी जी का व्रत करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माजी ने उसे व्रत की सारी विधि बतलाई और माजी ने कहा कि बेटी, माता लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इस व्रत को वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। यह व्रत सुख संपत्ति और यश को प्रदान करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके जब अपनी आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह विस्मित सी हो गई और माजी कहां चली गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि वह माजी कोई और नहीं, माता साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे शुक्रवार आया। उसने सवेरे उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माजी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया और आखिरी में प्रसाद वितरण किया। यह प्रसाद पहले अपने पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में मानो फर्क सा आ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद सा महसूस हुआ। उनके मन में माता वैभव लक्ष्मी के लिए और भी श्रद्धा उस व्रत को लेकर बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ 21 शुक्रवार तक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत किया और 21वें शुक्रवार को माजी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि कर के 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार स्वरूप दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी का व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण हुई। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा और सबका कल्याण करो। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना, कुवारी लड़कियों को मन भावन पति प्रदान करना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करे या आपके इस व्रत का कथा श्रवण करे, उनकी सब विपत्ति दूर कर देना, सभी को सुखी करना। हे माता लक्ष्मी, आपकी महिमा अगम अपार है। ऐसा बोलकर माता लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति बहुत अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे हुए गहने छुरा लाए। घर में मानो धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले की तरह सुख शांति छा गई। माता वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माता वैभव लक्ष्मी का व्रत सभी मिलकर करने लगी। माता वैभव लक्ष्मी का व्रत 7, 11 या 21 जितने भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भक्ति भाव के साथ करने चाहिए और आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को हम पूजन करते हैं वैसे ही करना चाहिए। पूजन के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़े, फिर कम से कम 7 कुवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी व्रत का कथा की पुस्तक सब में एक एक प्रति उपहार के स्वरूप देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए, फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करे कि हे माता धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी, वह व्रत आज पूर्ण की,
इस प्रकार से माता से प्रार्थना करते हुए, हे माता जगत जननी, हे माता लक्ष्मी, आप सबका कल्याण करो, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुमारी लड़कियों को मन भावन पति प्रदान करना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे या कथा श्रवण करे उनकी सब विपत्ति दूर करना। इसी प्रकार से जो भी भक्त जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ माता वैभव लक्ष्मी का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, माता वैभव लक्ष्मी सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करती है। तो बोलिए प्रेम से माता वैभव लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारी आप प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।